नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो नेता हैं उनकी जिंदगी सस्ती होती है, पत्रकार हैं उनकी जिंदगी सस्ती होती है, और कोई भी आपके समाज के नेता पत्रकार युवा को मारने की धमकी देता है, मार देता है, आप सब चूड़िया पहन के घरों में बैठे रहते हैं। माफ कीजिएगा, चूड़िया औरतों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, चूड़िया जो है वो मजबूती का प्रतीक है, लेकिन जो कहावत कहा जाता है ये इसके भी मैं खिलाफ हूं। क्या बहुजन समाज डरपोक है, घर में बैठने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज संविधान को मानता है, कानून को मानता है, इसलिए वो अपने हाथ में कभी कानून नहीं लेता है और वो हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों का, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और विरोध करता है। सोचिए, आज की सबसे दुखद खबर है, सबसे दुखद शर्मसार करने वाली खबर है कि उड़ीसा में एक बहुजन समाज के बेटे की फिर से हत्या कर दी गई है। वहीं इस देश के सबसे ताकतवर युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण को, वो याद है हाथरस की बेटी, हाथरस की जो बेटी थी जिसके खिलाफ वो आग उगल रहा था और जातीय सम्मेलन कर रहा था, उसका नाम है सवर्ण परिषद का अध्यक्ष पंकज धवरैया, उसने धमकी दी है कि हम चंद्रशेखर आजाद रावण की हत्या करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में ऐसा भी हो सकता है? ये है जातिवाद। जातिवाद की एक एक खबर बताऊंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण उसी हाथरस गए थे, पीड़ित परिवार के यहाँ रात गुजारी, रातों रात सड़क बन गया, उन्होंने प्रशासन को कहा है कि 10 दिन का अल्टीमेटम है, पीड़िता के परिवार को नौकरी, मुआवजा और सुरक्षा मिले, नहीं तो हम महापंचायत करेंगे। और सोचिए, अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के लिए लड़ने वाले को इस तरह के जातिवादी मनुवादी लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और वो खबर अखबार में छपी है। तो ये स्थिति है हमारी और ये स्थिति है बहुजन समाज की। आपको तय करना है कि आप अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब एक दूसरी खबर देखिए, ये वीडियो देखिएगा किस तरह से ये शख्स उत्तराखंड का है, बीजेपी के विधायक से सवाल क्या पूछ लिया, इन पर दर्जनों केस लगा दिए गए, अलग से इनका वीडियो देखिएगा। क्योंकि थाना विधायक का है, थाना विधायक का कंट्रोल है, थाना जो है, थाने में हमारी कोई सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हो रही है, इनकी एक अलग ही कहानी है, दर्द है। तो ये रोज हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों के साथ रोज हो रहा है और हम और आप जो है वो कान पर तेल डाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास अखबार नहीं है और कोई भी हमें मार के चला जाता है। तो सोचिए, आज की सबसे दर्दनाक खबर आपको बता रहा हूं किस तरह से इस देश में बहुजन समाज के लोगों को मारा पीटा जाता है, कुछ भी नहीं समझता है, जिसको मन हो वो आके मार जाए, जिसको मन हो वो धमका के चला जाए। आखिर हम लोग करें तो क्या करें, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता एकदम आसान है, बहुजन समाज को एक मुश्त एक साथ होना पड़ेगा और जब तक आपके IAS IPS नहीं बनेंगे आपको इसी तरह से मारा जाता रहेगा। और सबसे दर्दनाक खबर मैं बता रहा हूँ उड़ीसा में किस तरह से हमारे बहुजन भाई की हत्या हुई है। और हम लोग लगातार, इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होता है जहां बहुजनों की किसी न किसी दिन हत्या न होती हो, लेकिन सवाल है कि आखिर हम तक लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक चुप रहेंगे और कब तक इसको झेलते रहेंगे। हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरह से मारे जाते रहेंगे रोज रोज। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है जहाँ ये सारी खबरें आती है। तो ये खबर देखिए, ये है ये वंस मोर एससी यूथ वाज लिंच्ड बाय कास्टिस्ट कॉप्स इन द कस्टडी इन उड़ीसा के बारगढ़ में, पुलिस कस्टडी में किस तरह से एक दलित शख्स की हत्या कर दी गई, बहुजन बेटे की हत्या कर दी गई है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, ये जातिवादी लोग हैं, जहाँ जहाँ सबर्न लीडरशिप है वहाँ वहाँ आपकी हत्याएं हो रही है और आप कब तक मरते रहेंगे। सोचिए, ये घटना है उड़ीसा के बारगढ़ की, जहाँ हमारे पास तो संसाधन भी नहीं है कि हम खबर मंगवा सकें, हम वहाँ जा सके। बारगढ़ में किस तरह से मार दिया गया है, जान मार दिया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये खबर लगातार मिशन अंबेडकर ने चलाया है, सूरज कुमार बौद्ध ने इसको बताया है। वहीं दूसरी भी हत्या हो गई है, ये देखिए दूसरी हत्या हो गई है कास्ट मेस्कर इन राजस्थान के अलवर में एक फिर से एक शेड्यूल कास्ट के युवा की हत्या कर दी गई है।
तो लगातार देश भर में इस तरह की खबरें आती हैं, आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपकी लगातार हत्याएं हो रही है, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से सचेत नहीं है, एकजुट नहीं है, और इसलिए हमारी हत्याएं लगातार हो रही है। तो इन सब के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण को सोचिए किस तरह से धमकी दी जा रही है। तो आप राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से जब तक कमजोर रहेंगे, हमारे लोगों को इसी तरह से मारा जाता रहेगा। तो दो सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर रावण को वही धबरैया ने फिर से जान मारने की धमकी दी है, और राजस्थान में अलवर में SC समाज के युवक की मौत हुई है, हत्या कर दी गई है, गुंडों ने हत्या किया। उसके बाद बारगढ़ उड़ीसा में पुलिस कस्टडी में एक दलित समाज की युवा की मौत हुई है। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। और राजनीतिक खबरों की बात करें तो एक और इसी के साथ, मैनपुरी में यूपी में एक ठाकुर समाज की प्रिंसिपल थी, वो दलित बच्चों से प्लेट अलग रखवाती थी। ये जब खबरें चली और इसके बाद जब उन पर कार्रवाई की बात हुई तो वो अब धमकी दे रही वहाँ के सरपंच को और दलित समाज को कि हम आपकी हत्या करा देंगे। तो आप सोचिए ये अत्याचारी लोग किस तरह के हैं। ये देखिए, आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ मैनपुरी प्राइमरी स्कूल हेड मिस्ट्रेस गरिमा राजपूत SC विलेज हेड फैमिली इज बीइंग थ्रेटेंड विद द डेथ टू द ठाकुर एज देयर। पूरा ठाकुर एकजुट हो गए हैं और उसको धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी जान मार देंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और यह देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वाल्मीकि समाज के दो बच्चों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि वो खुले में शौच कर रहे थे। तो आपको किसी भी कीमत पर इन सब जातिवादी कास्टिस्टों से लड़ना पड़ेगा, और आप नहीं लड़ेंगे तो आपका हक अधिकार बचने वाला नहीं है। और सिविल सर्विस लिस्ट में पहले कैटेगरी का भी जिक्र होता था, बाद में पता चला कि अब कैटेगरी नहीं है। कन्हैया और जिग्नेश पर ही बताऊंगा। और ये देखिए, लगातार किसान आंदोलन करने वाले हर रिपोर्टर चैनल की पहचान क्यों छिपाते हैं? सोचिए, आज तक के पत्रकार जो हैं वो माइक ID नहीं लेके रिपोर्टिंग करते हैं। और तमाम जगह से कृषि कल दिन भर किसानों की तस्वीरें सामने आई, बड़ा बंद था लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। तो सोचिए, वही सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि महिलाओं की रिजर्वेशन जो है वो 50% कर दिया जाए जुडिशियरी में, लेकिन जज साहब SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है वो लागू करने देना नहीं चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। और एक फोटो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री का PR के तहत कैसे जमीन पर लेट के लोग फोटो खींच रहे हैं। और हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 463 पदों पर भर्ती थी, इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि आप हंसते हंसते मर जाएंगे। उसमें जो सवाल पूछे गए, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता, BJP ने बड़ौदा उपचुनाव में किसे टिकट दिया, BJP के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किस BJP सांसद के पिता की हाल में निधन हुआ। तो ये जनरल नॉलेज के सवाल थे। और उत्तराखंड में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की रैली की तस्वीरें देखिए। और अब एम्बियंस सुनिए, सोचिए, गुर्जर समाज के एक युवा को एक पांडे जी कैसे कह रहा है कि चीर देंगे। ये है पुलिस अधिकारी की भाषा। गौतम बुद्ध नगर समाजवादी बहुजन युवा सभा के जिला अध्यक्ष दीपक नागर गुर्जर महापंचायत डिग्री कॉलेज जा रहे DCP विशाल पांडे ने उसके साथ बदतमीजी की और कहा पैर पर भैर धर के चीर दूंगा। ये है जातिवाद का जहर, आप समझ सकते हैं। और ये वो स्क्रीनशॉट लगाइए, आज तक की महिला पत्रकार है जो बिना माइक ID की रिपोर्टिंग कर रही है। और कैसे मान लिया जाए कि ये 21वीं सदी का UP है, दलित बच्चों की थाली अलग कर दी है, मैनपुरी की घटना है। और ऋचा पटेल ने शेयर किया है, सारे पत्रकार देखिए, एक झा, पांडे, शर्मा, वर्मा, एक भी बहुजन नहीं। और LAC पर 8 जगह चीन ने बनाए नए सैन्य ठिकाने। ये सब खबरें आपको कोई चैनल नहीं बताएगा, मैं लगातार आपके लिए वो खबरें लाता हूँ जो आपकी रोजी रोटी के लिए है। और यूपी के आधे यानी कुल 24 कैबिनेट मंत्रियों में से 12 मंत्री ब्राह्मण ठाकुर हैं। टोकन के लिए SC ST के लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, आप ढोते रहिए। और ये देखिए, समाजवादी पार्टी का भारत बंद का ये वीडियो है, कल सारे पार्टियों ने समाज किसान बंद को समर्थन किया था, उसके बाद भी TV अखबार ने नहीं दिखाया। तो ये देश TV अखबार से चल रहा है। और किसान आंदोलन को कवर करने के लिए रिपोर्टर है। और ये देखिए, ये गजब का जादू है, कल एक ही फोटो को भक्तों ने शेयर किया, कहा कि सब जगह शहर खुला हुआ जबकि हर जगह बंद था। और UPSC घोटाले पर दिलीप मंडल ने बड़ा घोटाला खुलासा किया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये देखिए, किसान न्याय सभा श्री गंगानगर राजस्थान में किसानों के लिए आंदोलन चल रहा था, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे,
आरजेडी ने समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने समर्थन किया था और बहुजन समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण खुद उसमें शामिल हुए थे, ट्रेन बंद किए गए थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और भारत बंद सपोर्ट ऑफ कनाडा में भी इनको सपोर्ट मिला था। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात कन्हैया और जिग्नेश की। कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं बिहार में, उसमें कांग्रेस को एक वोट का फायदा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस के पास, कन्हैया के पास कोई वोट बैंक नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कुछ युवा हैं जो कन्हैया के साथ जयकारा करते रहते हैं। कन्हैया जरूर नेता बन जाएंगे क्योंकि उनको मीडिया कवरेज देगी, क्योंकि वो भूमिहार समाज से हैं, लेकिन वो वोट एक नहीं ला पाएंगे क्योंकि उनका समाज पहले ही बीजेपी के साथ है। जिग्नेश के कांग्रेस में जाने से 7 से 10% वोटों का फायदा होगा कांग्रेस को, सीधे सीधे शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा चेहरा है जिग्नेश गुजरात में। तो मुझे लगता है कि अगर बीएसपी जिस तरह से उन्होंने आपको बता दें कि साधा है परवीन को, आरएस परवीन को तेलंगाना में, अगर जिग्नेश आते हैं वहाँ तो पार्टी मजबूत होती। तो मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं के लिए कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन आज पूरा दिन लीड रहेगी कन्हैया की क्योंकि उसकी जाति के पत्रकार उसके साथ हैं। इस जिग्नेश के साथ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके जाने से देश भर में शेड्यूल कास्ट के वोट कांग्रेस को जाएंगे। लेकिन क्या कन्हैया एक भी सवर्ण वोट बीजेपी को कांग्रेस को दिलवा सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हैं, 1 दलित पंजाब में, 2 पिछड़ा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। पिछड़े नेताओं को अपने अधिकार के प्रति सजग होना चाहिए, उनको अपनी पावर का पता नहीं है, उनको अपने ताकत का अंदाजा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज एकजुट हो रहा है, ताकतवर हो रहा है और उसे ऐसे नेताओं की पहचान भी हो रही है। चन्नी साहब शानदार काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि, और इस वक्त आ गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कन्हैया के पास कोई वोट नहीं है, उनका अपना समाज तो खैर बीजेपी के साथ है। रही बात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कुछ युवा जो उनमें आंदोलन के प्रतीक देखते हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन उनसे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। लेकिन मीडिया आज कन्हैया को बड़ा नेता प्रोजेक्ट करेगी। इस देश की यही सबसे बड़ी विडंबना है, एससी एसटी ओबीसी का दुर्भाग्य है कि उसके पास टीवी अखबार नहीं है और उसके नेता कहीं ना कहीं गुमनामी में चले जाते हैं। निश्चल दस्तक की लगातार कोशिश है कि आपको आपके नेताओं के बारे में बताया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या सॉल्यूशन है, खासकर जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों की हत्याएं हो रही है, कॉलेज में बदतमीजी हो रही है। सोचिए, मैनपुरी में अलग खाना खिलाया जा रहा है, उड़ीसा में हत्या हो जा रही है पुलिस कस्टडी में, राजस्थान में हत्या हो जा रही है। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम से ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस देश का जो सवर्ण लिबरल है वो आपके आरक्षण से तो नफरत करता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के प्रदर्शन में वो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि अगर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी कांस्टेबल बन गया, दरोगा बन गया, एसपी डीएम कलेक्टर बन गया, तो वो उसकी हत्या नहीं कर सकता है, धर्म के चाल में उसको फंसा के उसकी हत्या की जा सकती है। तो आपके लिए धर्म की राजनीति जरूरी है या अधिकार की राजनीति? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।